हेलो नमस्ते, मैं हूँ बिगोटिया और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की मिक्स सब्जी के साथ। आइए वीडियो का करते स्टार्टिंग। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, फूलगोभी, गाजर, आलू 1 बड़ा, पत्ता गोभी, मटर फली, हरी मिर्च, धनिया और प्याज। इन सब्जियों को हमें सभी बारीक काटना है और इसमें हमें और भी सामान ऐड करना है। इसमें हमें ब्रेड मिलाना है, 15 से 20 ब्रेड आप इसमें मिला सकते हैं। और मसाले में हमें छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, सौंफ और गरम मसाला। सारी सब्जी हमें बारीक काटना है। आलू और मटर फली हमें पीसना है, आलू हमें उबाल कर पीसना है और हमारे ब्रेड को हमें भी इसे पीसना है। लीजिए, सारी सब्जी मैंने बारीक काट ली है, वो कुछ इस तरह है। अब हमें ब्रेड को भी पीसना है। लीजिए, हम एक चार लेंगे, इसमें हम डालेंगे ब्रेड। और ब्रेड को हमें पीसना है। अब हमें मटर फली को इसी तरह पीसना है और आलू हमें उबाल कर पीसना है। लीजिए, हमने ब्रेड को पीस लिए हैं, हमने आलू उबाल कर पीस लिए और मटर फली को भी हमने पीस लिया है। अब हम करेंगे गैस को ऑन। गैस हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसे पैन चलाएंगे, जब तक हम कर लेते हैं बातें। ब्रेड को इसलिए हम भूजेंगे, ब्रेड की सारी नमी चले जाए, क्योंकि जब ब्रेड गीला रहेगा और जब अपनी सब्जियां मिक्स करेंगे तो वो और ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसलिए हम इसे हल्का सा भूंजेंगे, इसकी सारी नमी चले जाए। हमारा पैन गर्म हो रहा है। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे, लगभग 5 मिनट तक हम इसे भूंजेंगे। अगर आप पहली बार आलू की टिक्की मिक्स सब्जी के साथ बना रहे हैं तो आपसे अगर गीला हो जाए हमारी सारी सब्जी मिलाने के बाद, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, जब हम पहली बार बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ। इसे हम मीडियम आँच में ही रखना है, हमारा ब्रेड लगे ना जिसमें। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक ब्रेड की सारी नमी ना चले जाए। लगभग हो चुका है हमारा ब्रेड। लीजिए, हमारा ब्रेड पूरी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च। मैं यहाँ सिर्फ 2 व्यक्ति के हिसाब से बना रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे गाजर, हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी। सब्जी हमें सारी बारीकी काटना है। हमारी प्याज, क्योंकि जब हम टिक्किया बनाएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लीजिए, हमने डाल ली टमाटर और हमारे मटर फली। अब हम डालेंगे हमारे आलू। इसमें अब हम डालेंगे हमारे मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च,
एक चम्मच नमक, बड़ी चम्मच, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और एक चम्मच बड़ी धनिया पाउडर, छोटी चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला हमारा। अब छोटी चम्मच हम डालेंगे सौंफ। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और आखिर में हम डालेंगे हमारा धनिया। लीजिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे गूंथना है। लीजिए, इस तरह हमें गूंथना है। हमारा जब हम बाकी पूरे सामान हमारे मिक्स हो जाएंगे फिर इसे अच्छे से गूंथना है, जब हमें टिक्किया बनेगी। अब मैंने पैन में तेल डाल दिया है, अब गरम हो रहा है मीडियम आंच में। अब हम बनाएंगे अपनी टिक्की। हमें इस तरह से टिक्की बनाना है। जी, हमारी टिक्की तैयार है। मैं आपको बताना भूल गई, हमें टिक्की बनाते समय हमें हाथों में तेल लगाना होता है। और फिर हमें जो आकार देना टिक्की के लिए हम वैसा दे सकते हैं, गोल जी लीजिए, पर मैं टिक्की जैसा आकार दे रही हूँ। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। हमें टिक्की सिक रही है। जब हमें टिक्की ऊपर आने लगे जब हमें इसे पलटना है। लीजिए, हमें टिक्की बनके तैयार है। लीजिए, हमें टिक्की बनके तैयार है। इसे मैंने धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी संग बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा न्यू चैनल है टेस्टी कुकिंग थाली। थैंक यू।